स्मार्टफोन बगैर सिम के ऐसे ही है जैसे गाड़ी बगैर पहियों के। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, मेरा नाम है साद और मैं बनाता हूँ टेक वीडियोस। आज हम अपनी वीडियो में बात करने जा रहे हैं जियो 4G के, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम 150 सब्सक्राइबर्स के पास पहुँचने वाले हैं। बेशक मेरी वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं और हमारे सब्सक्राइबर बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, मगर जैसे ही मैं डीमोटिवेट होता हूँ और एक सब्सक्राइबर बढ़ जाता है, वही एक सब्सक्राइबर मुझे इनकरेजमेंट देता है कि मैं एक नई वीडियो बनाऊँ। तो अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे आप एक इनकरेजमेंट दें कि मैं एक अच्छी वीडियो बनाऊँ। आज मैं अपनी वीडियो में बात करने जा रहा हूँ जियो 4G के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता जियो 4G क्या चीज़ है, मैं उनको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि वो लोग जिनको इसके बारे में पता है वो कहीं बोर ना हो जाए। बेसिकली जियो 4G जो है वो एक रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर आती है, जिसको ओन करते हैं अंबानी, जो वर्ल्ड सेकेंड या थर्ड रिचेस्ट बंदे हैं दुनिया के, जिनके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ये कंपनी जियो 4G एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है जो सिम, वॉइस डेटा, मोबाइल डेटा वगैरह प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, जैसे हमारी टेलीनॉर, जायज या वारिद की कंपनीज कर रही होती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जियो 4G जो है वो इंडिया में बेस्ड करती है, उधर काम करती है, तो मैं क्यों आज अपनी वीडियो में एक जियो 4G के बारे में बना रहा हूँ और क्यों अपनी वीडियो में जियो 4G के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं भी इस बारे में क्यूरियस था, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे ऊपर जो बड़े बड़े टेक चैनल्स हैं जो कि हिंदी या उर्दू के अंदर अपनी वीडियोस को बनाते हैं, जब मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ तो वो हर वीडियो के अंदर, हर टेक न्यूज़ के अंदर जियो का जिक्र ज़रूर करते हैं। मैं भी थोड़ा सा क्यूरियस हुआ, यार ये जियो इंडिया के अंदर इतना फेमस हो रहा है, आखिर इसके बाद इसकी रीज़न क्या है। मैं जियो 4G की साइट पर गया और वहाँ पर जो प्लान्स लगे हुए थे, वो यकीन करें पाकिस्तान में ऐसा पैकेज, इस तरह का प्लान आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता। जो प्लान की वेबसाइट पर साथ में पेज आ रहा होगा इस टाइम आपकी वीडियो के ऊपर, ये 99 से लेकर 9999 या 999 तक की इसकी रेंज है, उधर तक आपको पैकेजेस मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको वॉइस डाटा मिलता है, मोबाइल डाटा मिलता है और टेक्स्ट मैसेजेस मिल जाते हैं। जो अगर आप इंडियन रुपीज़ 349 वाले को पैकेज में देखें, उसमें आपके टेक्स्ट मैसेज अनलिमिटेड, वॉइस डाटा अनलिमिटेड, मोबाइल डाटा अनलिमिटेड। अगर इसे पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट कर लिया जाए 349 को, तो ये 500 कुछ रुपए बनते हैं, और उसके हिसाब से भी देखा जाए तो ये एक बेहतरीन पैकेज है, जो पूरे पाकिस्तान के किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में इस तरह का कोई पैकेज ऑफर नहीं होता। जब मैंने इनकी वेबसाइट पर कोई थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, इनके पैकेजेस को देखा और समझा, तो मुझे यही पता लगा है कि ये जो जियो 4G है वो एक बहुत कम प्राइस के अंदर अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर रही है। ये 99 रुपीज़ में दिन में अनलिमिटेड चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है, और अगर इसके कंपैरेटिवली हमारी लोकल कंपनीज में देखा जाए तो हमें इस तरह की कोई ऑफर नहीं मिलती। इससे बेशक हमें मिलती जुलती ऑफर्स तो ज़रूर मिल जाती हैं, मगर उसके अंदर भी हमें कोई ना कोई लिमिट ज़रूर लगा दी जाती है। अगर ये जियो 4G यहाँ पर ही नहीं रुका, इसने अपनी पूरी टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो इंडिया में है, इसे डोमिनेट करने के लिए ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिससे आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जियो 4G जो है इंडिया का सबसे बड़ा टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क बनने वाला है। कुछ दिन पहले एक लॉन्चिंग इवेंट पर जियो 4G ने एक ऐसा प्लान इंट्रोड्यूस करवाया है जिसके अंदर आप 0 रुपीज़, हाँ जी 0 रुपीज़ देकर एक फ़ोन ले सकते हैं। उसमें यह भी है कि आपको 1500 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा सिक्योरिटी, और उसके साथ 123 रुपये महीना या 300 रुपये महीना देकर इंस्टॉलमेंट्स में विद टेक्स्ट मैसेज, मोबाइल डाटा और वॉइस डाटा के साथ आप वो फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारा कुछ मुझे आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि बेशक जियो 4G पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, मगर वो हमारा एक नेबरिंग कंट्री है। हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं जैसे कि जैज, वारिद या यूफोन वगैरह, अब ये उन इस जियो 4G कंपनी से कुछ सीख ले सकती हैं कि किस तरह जियो 4G ने अपनी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को सिर्फ एक या दो साल के अंदर इस तरह ग्रो किया है कि उसने 80% ऑफ कंज्यूमर्स इंडिया के हासिल कर लिए हैं इस टाइम पे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो कि सेम या इस तरह के पैकेजेस प्रोवाइड करती हैं, वो जियो 4G से कुछ सीख लें, उनसे देखें कि वो किस तरह की ऑफर्स दे रही हैं, और उनसे सीख कर हमें पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के पैकेजेस देखने को मिल जाएँ। ये वीडियो कोई एक टेक वीडियो नहीं थी, बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा कम्युनिकेट करना चाह रहा था, स्पेशली जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, कि किस तरह इंडिया के अंदर एक कंपनी अपने आप को प्रमोट कर रही है और इससे हमें कुछ सीखने को मिले। इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी लोकल कंपनीज़ भी इनको थोड़ा बहुत कॉपी कर लें और हमें एक अच्छी पैकेजेस प्रोवाइड कर दें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दें, अगर कोई बात है तो कमेंट में कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।